सिद्धांत जी महाराज, जब काशी में पहुंच गए, अपने अपने शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार उन सभी लोगों को समझाते रहे, जेली आए जेलियों को समझाया, बहुत वार्तालाप करने के बाद अपने अपने सबने प्रश्न किए और प्रश्न का सबको उत्तर मिला। आप बड़े ध्यान से सुने और उस पर विचार करो कि वो क्या पूछते हैं, वो जवाब क्या देते हैं। ये बच्चे को आवाज टकराती है, कोई लाउड स्पीकर का मोह इधर को है, देखो दौड़ करके देखो भाई। तुलसी के बुझाई कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखाई मुक्ति विधि दर्शाई के। अब गोस्वामी जी महाराज कर्मा धर्मा और जैनी बैठे उनको समझा रहे कि हाथ में क्या था, अंत क्या है और मुक्ति क्या चीज है। वहां जो बता रहे हैं कि हाथ में क्या है, तुमसे बोलते हैं बीच की बात न इधर की न उधर की, और बीच की बात कहते हो, बीच की बात न खुद समझते हो न दूसरों को समझा सकते। जो कहावत चली आ रही है उसी को क्या डालते हो, तो जैनियों को समझा रहे हैं बहुत विधि विधान के साथ में। बोला काहे तुलसी सुने अगम संदेशा, आज अंत दर्शाऊ देशा। कदे तुम पहले संदेश सुनो कि आज में क्या था, शुरू शुरू में क्या था, वो सबको समझा रहे कि इस तरह इसको समझो। पहले था क्या, जहां से ये सब विस्तार हुआ कहा, बहुत अच्छी तरह से उनको समझा रहे। बोलो प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। सबसे पहले एक पुरुष था अनामित, और वो चौथे पद के पार जो सत्रों के पार अनामित पुरुष एक था, पहले कुछ भी नहीं था। वो जैनियों को समझा रहे काशी में बैठ करके, जब 25वें साल काशी चले गए तो उसी समय पर ये जैनी यानी यही साल डेढ़ साल के अंदर आए, उनको ये समझा रहे आज में एक पुरुष था अनामित और वो चौथे पद के पार है। बोलो जब नहीं रहे गगन आकाश, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते यहाँ कुछ नहीं था, न आकाश था न जमीन थी, न पानी था न हवा थी न ये जल था। जब ये नहीं था तो आप कुछ नहीं, आप फिर कहोगे भाई पृथ्वी रहेगी तब तो आप रहोगे, पानी रहेगा तो पानी पियोगे, लेकिन कहते हैं गगन और धरती ये कुछ नहीं था। आकाश में गगन कहते हैं आकाश के ऊपर, ये आकाश बना था, कुछ नहीं था। पहले वो एक पुरुष था और उसका नाम अनामी है। बोलो धरती अग्नि न पवन निवास, पानी जगत रहे नहीं बात। कहते हैं कि धरती पानी पवन
अग्नि और यहाँ कोई था नहीं, और जो यहाँ किसी का निवास नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, कोई पंछी नहीं था, क्योंकि जब ये चीजें रहेंगी तब तो आप रह सकते, इन्हीं सब चीजों से शरीर बनेगा। तो ये सब चीजें धरती गगन कमल ये पानी कुछ नहीं था, तो यहाँ कोई नहीं था, न ब्रह्मा का नाम था, न विष्णु का, न तुम्हारा, न पूरब का नाम, न पश्चिम का, सूरज का नाम, न चंदा का नाम, और न तारों का नाम, कुछ था ही नहीं। कहते हैं पहले वही अनाम पुरुष था, बोलो पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पिंड ये शरीर भी नहीं था, अंध कहते हैं स्वर्ग और बैकुंठ वो भी नहीं था, और ब्रह्मांड कहते हैं ईश्वर, ईश्वर का धाम कहते हैं वो भी नहीं था, और उसके परे ब्रह्म भी नहीं था और पार भी नहीं था। कहते हैं सबसे पहले एक वही अनामी था, एक ही पुरुष था, बोलो और अलोक भी नहीं सोई। और कहते हैं कोई भी अलोक हो जिसको कोई नहीं जानता वो भी नहीं, कोई अनाम पुरुष था। और वो बता रहे चौथे पद के पास यानी सतलोक के पास, अंध पिंड विमान और उसके पार, और चौथे लोक के पार अनाम, वो एक ही था, बोलो चौथा पद रचना नहीं बनी ताके आगे पुरुष अनामी। कहते चौथे पद में भी कोई रचना नहीं थी, चौथा पद भी नहीं था, यानी सतलोक में सतपुरुष भी नहीं थे, और अलग लोक में अलग पुरुष भी नहीं थे, और अगम लोक में अगम पुरुष भी नहीं थे, पहले वो एक ही अनाम था। गोस्वामी जी महाराज जैनियों को समझा रहे हैं कि पहले एक था, सतलोक भी नहीं था, अलग लोक भी नहीं, अगम लोक भी नहीं, और भी जितने भी नीचे लोग कोई नहीं, और वही अकेला था, और जैसा पहले था वैसा आप भी है, और भविष्य भी वैसे ही रहेगा, पहले कुछ नहीं था। अब वो समझा रहे हैं कि भाई ये जो किताबें हैं ये पवन पानी है, और ये है ब्रह्मांड है, ये ऊपर से ये जीव है, ये पिंड है, ये खास है, जब यहाँ कुछ था ही नहीं, यानी शत्रु भी नहीं था, सत्पुरुष भी नहीं थे, अलग पुरुष भी नहीं थे, और अगम पुरुष भी नहीं थे, और महाकाल भी नहीं था, पार ब्रह्म भी नहीं था, ब्रह्म भी नहीं था, ईश्वर भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं थे, कोई नहीं था, ऐसे एक एक ही था। और 1589 उन्होंने जन्म लिया, और 25 वर्ष की अवस्था में काशी चले गए, और वहां इन सब विद्वानों को ये बड़े बड़े धुरंधर अपने मजहब के संस्कृत जानने वाले विद्वान कहते कुछ, पहले वो एक ही था, पहले कुछ बोला सुनहर सत साई वो भय सत्य नाम संतन ने कहे। कहते हैं कि उस अनामी पुरुष की लहर से कहते हैं सत साहब यानी सतलोक में स्थापित किया, लोक में सत साहब यानी सतलोक में वहां स्थापित किया, उनका नाम संतों ने सतनाम कहा। ये अनामी पुरुष की मौज से सतलोक उसका निर्वाह हुआ, और सर साहब को यानी सतराम को अनामी पुरुष ने भेजा। पहले मतलब शुरू में नीचे लोग कुछ था नहीं, रचना तो जो कुछ होगी इधर की ये सब सतलोक से होगी, जो सतराम वही इसको करेंगे, ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर से तो उनकी जो मौजूदी अगम तो अगम पुरुष को अगम लोक में स्थापित, अलग पुरुष को अलग लोक में, और उनकी लहर से कहते हैं सत साहब वो सतलोक में उनको वहां बैठा दिया। ये रचना उनकी कृपा दया से हुई, और अब भी वाला भी ये सब कुछ होने के बाद अब भी वाला अब ये यहां से रचना होगी, बोलो यहाँ की विधि विधि गति गाई बिना सत्संग नहीं डर। महाराज कहते हैं भाई धर्म कर्म
अन्न जो देने के जितने मक्खी मारने वाले, भाई जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक मतलब ये कुछ पता नहीं चलेगा। सत्संग सत्पुरुषों का पाओ तभी आपको ये सब चीजें मालूम होगी, और ये किताबों किताबों में नहीं मिलेगी। आप सत्पुरुषों का जिन्होंने उसको प्राप्त किया है उनका संग करो, सत्संग मिलेगा तब और इसको प्राप्त करोगे, देखोगे, समझोगे भी, सुनोगे भी, और जब तक वो रास्ता नहीं देंगे तब तक तुमको किसी को देखने का कुछ नहीं मिलेगा। ये उसी शोरगुल में जब गोस्वामी जी महाराज के सब लोग बैस वैसे व्यवहार रहे तो ये भी पहुंच गए कि हमारा मत सबसे ऊंचा, ये मत सबसे ऊंचा है, ये भी वह पहुंच गए। प्रभु सबको समझाए, उनको तो भी किया, ये रह गए इनको बता रहे हैं कि पहले एक था, हमको कोई कहीं चला थोड़ेगी, अभी भी सही वो और कुछ तैयार कर दे तभी वो एक रहेगा, पहले कुछ नहीं था। इन्हें कहते हैं सत्रों भी नहीं था, सत साहब भी नहीं थे, अलग साहब भी नहीं थे, अगम साहब भी नहीं थे, ये सब का सब उन्हीं में समाया हुआ था। उसका था सागर है, अब यह नाम है, उसका कोई नाम नहीं। हो सत्संग कहो संग लेखा, खुले ने नहीं रगे से महाराज कहते हैं कर्मा देखो, अगर तुमको सत्संग मिल गया सत्पुरुषों का तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम अपनी आंखों से अपने नैन से देखना बीज दे, तो तुम्हारे पास तीसरी आंख है वो जब खुलेगी तो उससे दिखाई देगा, इन बाहर की चर्म आंखों से वो नहीं देखा जाता। लेकिन जब जगह में सत्पुरुषों का सत्संग मिलेगा, रास्ता मिलेगा तब। बहुत विधि विधान सत्संग जा रहे हैं, बोलो। तीनों लोक पा रहे चौथा, ताके परे अनामी सोथा। कहते हैं ये तीन लोग अंड पिंड और रिमांड, उसके परे चौथा लोग, और फिर चौथे लोग के परे तब कहते हैं अनामी और परे, चौथे लोग के परे, चौथा लोग सतलोक को कहते हैं और उसके परे अनामी, वो संतों से जानने को मिलेगा और तुमको कोई बताएगा नहीं, न कोई जानता है न उसको कोई देखता है, संत जानते हैं, संत बताएंगे तो देखेंगे और दिखाएंगे, उन्होंने देखा है तो दिखाएंगे, सत्संग में कहीं मिलेगा। बोलो दासु दासे भये सोना निर्वाणा, जिन में एक की करो बखाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो सत्सार सत्लोक में स्थापित कर दिए तो उनकी लहर से, उनकी मौज मर्जी से सूरत और नाम उनका नहीं, और कोई नाम नहीं, यही नाम। अब कोई उनको गाय कह ले, कोई उनको खुदा कह ले, कोई उनको भगवान कह ले, कोई ईश्वर कह ले, कोई परमात्मा, वो तो अलग, लेकिन नाम उनका ही है, निरंजन नाम और ज्योति स्वरूप, और उनके मुंह से घंटा और सन बचा, और अस्तम जो है सैदल उन पर ये बैठे हुए संतों ने इनको काल कहा, ये ध्यान नहीं हो सकते, ये काल, ये उनका कहा हुआ, संतों का देखा हुआ, उन्होंने कहा ये काल है, क्यों काल है कि भाई अभी तुमको दिया तो छीन लिया, फिर तुमको कुछ दे दिया फिर छीन लिया, फिर तुमको दे दिया फिर तो जलम मरम जलम मरम, इसी को काल कहते, और काल के बाद, और जो हमेशा जो यहां से निवृत्त कर दे, छुटकारा कर दे, उनको कहते हैं ध्यान, तो काल और ध्यान कहते हैं। संतों ने उनको काल कहा, इन्होंने ये प्रपंच बना, ये सब प्रसारा किया प्रपंच का, और तपस्या करके जीवों को शत्रु से शत्रु से मार के ले आए, उनको दे दिया, इन्होंने बता दिया उनका शत्रु, तो संत ही इनको काल कहते हैं, ये जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। अब ये जब तक कर जाना दो तब तक इनके देश से कोई जा नहीं सकता, और संत आते हैं तो छुपा लेते, इसलिए उनको ध्यान करते हैं और छुड़ा के वापिस सत्रों में पहुंचा देते। तो संतों ने कहा आप इनको कैसे जानते हो, आप तो काल कह ही नहीं सकते हो, संतों ने कहा है कि काल, लेकिन आप फिर जब आपके लड़के बच्चे ये वो सब ले जाते हो तो आप भी गाली देते हो, ये कहा है कोई ईश्वर
और कहा है एक ही स्त्री थी, उसका पति मर गया, मुसलमानी थी। किसी ने कहा भाई तेरा पति मर गया, तू भी लड़की है और तू भी बच्चे ने दूसरी शादी कर ली, और समाज ने दूसरी शादी मुसलमानों ने करा दी, वो 6 महीने रहा वो मर गया। तो फिर लोगों ने कहा अगर भाई वो मर गया 6 महीने के अंदर चला गया तो और तू और शादी कर ले तो ठीक रहेगा, तेरा बड़ा लंबा समय जीवन है तो कह सुन करके और कर दी, तो एक और उससे कर दी, वो भी 6 महीने मर गया। तो फिर मुसलमानों ने कहा यार भाई ये तो मतलब है कि हो गया, पता नहीं तेरी किस्मत क्या है, एक और कर दी। तो एक और कर दिया उसने, वो भी 6 महीने मर गया। तो कपड़े उतार करके रात को उसने फेंके और छाती पीट के कहे कि तू है खुदा, तू अपनी करनी में कोई कमी मत रखना, मैं और कर लूंगी तू अपनी करनी में कर लूंगी। जब फिर उसके बाद जब किया तो वो रह गया, वो नहीं। तो कहने का मतलब है कि खुदा को नहीं जाने, जब तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ले जाएगा, बच्चा ले गया ये ले गया वो, तो उसको गाली देते हैं, उसको जान देता हूँ क्योंकि ईश्वरी ने ऐसा किया। पर अब वो रोजी का लाभ रोज करेगा क्योंकि उसका देश है, उसने जितनी आवाज जितनी सांसें दी है पूरी होगी, मत करो चाहे पशु हो चाहे पंछी हो सबसे निकालेगा। इसी वो कहते हैं काल, क्योंकि बात है तो कुछ है नहीं है, तो नियम बना हुआ चलो जल्दी से पूरा निकालो। अब कितना भी चिल्लाते रहो तो छोड़ नहीं सकता। तो संतों ने उनको काल कहा, जो जल में मरे जो घसीटे ये इसका नाम काल। बोलो शास्त्र नाम कहे निरवाला, सोई जीव को पाल निरवाला, कहते हैं कि निर्वाण पद है। इसी को सैदल कमल को जे नहीं निर्वाण पद कहते हैं, उनको भी काल तो उनको भी घसीट ले जाता है, खत्म कर देगा उनको। हिंदू के लिए उनके लिए भी काल है, ईसाइयों के लिए उनके भी काल है, क्योंकि वो गाय नहीं बोलते, खुदा इन्हीं का नाम, इन्हीं का नाम असली बात ये। और इन्हीं का 3 लोक है और 3 लोकों के अंतर्गत हम लोग हैं, तो उनका मतलब अपना काम करें वो छोड़ेंगे। गुरु साहिब महाराज कहते हैं पंद्रह की तो मैं बात कुछ अभी नहीं करता, लेकिन सत्य जो छोटे पुत्र हैं सत्पुरुष से जिनको वहां से निकाल करके भेजा है उनके बारे में मैं बता रहा हूं कि संतों ने उनको काम था ये काम। बोलो जाने जग जम जाल पसारा जगत थापना कील विचारा, उन्होंने ये जगत का पसारा और तमाम योनियों का पसारा और तमाम जम नगरी का पसारा, इन्हें नमक वगैरह चारों खाने और ये सब मनुष्य शरीर ये सब इन्होंने मतलब यह के तैयार किया, ये इनका ये सब मसाला इनका किया। मसाला इनको ऊपर से मिल गया तो मसाला मिला के बना इन्हों, ये है 3 लोग के माने निरंजन लोग, इन्हीं को खुदा ईश्वर कहो घाट कहो जो आपकी मर्जी है, लेकिन नाम उनका ये और घंटे और संघ की आवाज है, इसलिए आपको तो मानना ही है। मंदिर में भी बजेगा, मस्जिद में भी बजेगा, गिरजाघर में भी बजेगा और आप कहते हो बड़ा मंगलमय वो मतलब है, और सैदल कमल बैठे हो उसका पता नहीं आप। अगर वहां पहुंच भी जाओ तो कुछ दिनों के लिए तो विश्राम हो जाए, लेकिन वहां पर भी घसी जाएंगे क्योंकि उन्होंने पसारा ऐसे ही किया, पुण्य करा करके वहां ले जाएंगे और वहां कुछ दिन जाओ फिर वहां पहुंचे बचो नीचे, फिर यहाँ जाओगे और फिर यहाँ कर्म करोगे फिर दीवार नीचे उतरोगे। ये सब पसारा जमपुरी है, ये चौरासी है, ये मतलब ये सब यूनिया है, सब होने पड़ा है। बोलो दसो तार जाई के चीनो, हम गोस्वामी महाराज कहते हैं कि दसो अवतार 2400 तीर और 2400 तीर्थंकर ये सब के सब इन्हीं के पैदा किए हुए, इन्होंने भेजा कि मेरी सृष्टि में अर्थ हो गया तो जाओ उनको तुम सजा दो जाकर, पहले समझाओ अगर मान जाए अरे मतलब रजोगुण से माने माने तो तमोगुण में आकर के आपको दंड दो। इनके अवतार ये निरंजन भगवान के, निरंजन ईश्वर के, यानी निरंजन खुदा के गाठ के लिए सबके सब अवतार हैं। हिंदुओं में भी 10 अवतार, उनके यहाँ 24, उनके यहाँ 24, उनके यहाँ 24 तीर है, उनके यहाँ 24 तीर्थंकर है, इन्होंने भी जाओ सृष्टि में रथ मिल गया
धर्म की मतलब हानि हो गई, लोग सतपथ को छोड़ दिया और प्रेम और भाव ये, और जाओ उनको बताओ पहले और दंड दो। तो आकर के उन्होंने बताया और ले भाया तुरंत दंड दिया और छोड़ा किसी को नहीं। तुम देख लो समझाया बहुत, मतलब समझा के अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो तैयार हो जाओ, और सबको तैयार किया तो विश्व के बिगुल बजाकर विश्व के योद्धाओं को उधर बिगुल बजाओ, उधर मैदान में आकर खड़े हो गए अपने अपने जत्रों से, उतर गए मैदान में और बिगुल बजाओ लड़ाई शुरू। तो किसरों के सिर मुठ उड़ गए, और क्या कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको लड़ दिया साहब आए। फिर उसके बाद जब तुम मान जाओ अभी तो नहीं लड़ गए, द्वारका की तरफ चले गए, वहां सबका वहां मुलंगा किया और सबको इकट्ठा करके 56 करोड़ को एकदम साफ कर दिया। नहीं मानोगे आदमी की बहुसंख्या खत्म हो गई, उसके बाद कहीं कहीं आदमी धर्म ये इन्हीं के होता है, और मुसलमानों में भी इन्हीं के होता है। ये तो यही होगा, मारो उसको मारो, उसको खत्म करो, उसको खत्म करो, उसको खत्म। और अगर सुधरता है तो चलो ठीक है, सुधर गया मानो, यह होता है। उसकी स्थिति में गड़बड़ी होती तो यही होता है। और तुम्हारे कहने का मन काल रूप में चिंकर भ्राता, मैं काल हूं और मैं उनका दोस्त भी हूं और उनका दुश्मन भी हूं, और जैसे जिसके कर्म होते वैसा मैं उसको फल देता हूं। अगर दुष्कर्म किए तो सजा दूंगा सर, और सुकर्म किए तो मैं उसको आराम और मैं काल हूं। जब खुद ही कहते हैं कि मैं काल हूं, और किसने भी कहा कि मैं कालों का काल, गीता में किया साहब है कालों का मैं काल और विकराल हूं। लेकिन संत ऐसा कभी वचन उच्चार नहीं, वो तो कहते हैं भाई यही के ये 10 अवतार 24 होती है और 24 होती शंकर इन्हीं से, इन्होंने भेजा समय जगह पर भेजा, जब जैसी जरूरत पड़ी कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इन्हीं के। और जब वहां जब तुरंत वो भेजी तो अपने अपने बोध में अपने अपने ज्ञान में भेजी जाओ कि मेरा गुण क्या है, तुम जा करके तुम्हारा नाम ब्रह्मा, तुम्हारा विष्णु और तुम्हारा शिव, और जाओ अपने अपने गुणों को जाके बताओ कि मैं इस गुण में रहता हूं। तो अपने अपने गुण को बताया इन्होंने कि ब्रह्मा का ये गुण ये काम, उत्पत्ति करने का उनका ये काम, और उन्होंने कहा कि विष्णु का कि मतलब पालन पोषण करने का ये उनका गुण है, और ये है शिव जी का ये श्रृंगार करने का। ये तीनों जाकर के बताओ और यही देख रेख करते हैं, यही बनाते हैं घड़ा बनाते हैं, घड़े की रक्षा करते हैं विष्णु, और श्रृंगार कहते हैं इसी घड़े का जो है वो सब करते हैं। जाओ इनको बताओ, तो आकर के बताया इन्हीं के पुत्र अजा महाशक्ति से ये पैदा हुए, उससे पैदा हुए। बोलो सृष्टि में स्वर्ग सृष्टि में वैकुंठ में यानी भोग है, क्योंकि इंद्रिया है तो भोग लेके नहीं, मैं तुम भोग लेंगे। ये जड़ तत्व तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का भोग नहीं, लेकिन भोग वहां है और दृष्टि का भोग है, दृष्टि का भोग है। ऐसे देखा उसने तो साधक अगर वहां जाए और सुंदर नारियों को देखे, सुंदर देवियों को देख ले तो मोहित हो जाए, वहां भी जा सकता है। तुम शरीर में रहते हो और वहां जाओगे तो फौरन पूरा पैदा हो जाएगा, और तो दृष्टि से भोग होता है वहां, इस तरह से शरीर भोग नहीं जिन्होंने माखा वेद विचारा जग में फैला काल पसारा। इन्होंने इन्होंने तपस्या की है और इन्होंने मतलब ये समाधि में इनको बारी बुराई दी, तो इन्होंने वेदों का जो लिखा गया उसका बखान इन्होंने किया, जो सुना उन्होंने कहा फिर उसी का बखान क्या उनको मिल गया है कि उन्होंने सबको अब आजाद किया है, ये नियम है कानून है कि इसका सब लोग पालन करो और इसका जो कोई उल्लंघन करेगा उसको सजा मिले। इसके बाद 84 बने, इसके बाद नरक तैयार किए गए, पहले नहीं था, पहले न पशु योनी थी न पक्षी थे, न जल के जीव थे न थल के जीव, न नरक थे। जब इन्होंने विधान बना लिया तो उसी विधान में रखा कि जब मनुष्य कर्म करेंगे तो योनी वो तैयार है, उसके लिए आकाश तैयार था, इतना बड़ा आकाश तैयार उसके लिए, तो उसी में खंड बना दिए
और उन खंडों में कितने ना अलग अलग कर दिए और बहुत बड़े बड़े खंड है। हमारा सारा संसार क्या करेगा, कुछ नहीं, इसे बड़े बड़े खंड धर्म बनाए, इन्होंने पसारा ये सब बोलो। अभी तो एक पुत्र का पसारा ही है और 15 अभी और बाकी है। अभी तो छत से छोटे पुत्र की कहानी बता रहे हैं। सतपुरुष ने 16 भेजे अपने देश से, 16 का निकाल किया अपने देश से निकाल दिया कि तुम यहां से जाओ, और फिर उनसे तपस्या कराई 16 से। और जब तपस्या करते करते सब उन्हीं का ध्यान करते रहे तो कुछ नहीं था, तो खुश हो गए। कोई एक होते कल्पो जुगो कितने जुगो तपस्या करते थे, सृष्टि ऐसे थोड़ी बन गई, ऐसे आप लोग थोड़ी आ जाओगे। और बहुत जब कर्म करना तपस्या करते हैं तब मालिक फिर इनके पास तो कोई मसाला था नहीं, कोई मसाला ही घर के पास इनको तो आवाज थे। जब रचना उन्होंने मंडलों की कर दी तो आवाज थे, इन्होंने उतार के दे दिया, मसाला चाहिए इनके पास, ये सब रचना कर लेगा। तो जब तक सुरतो नहीं आएगा तब तक मसाला नहीं आएगा। जब सुरतों को खुशी में जब दे दिया तो मसाला साथ दिया, क्योंकि बगैर मसाला और सूरत की रचना हो नहीं सकती, क्योंकि सूरत चेतन है और मसाला जड़ है, इसलिए उसको मिला करके और भक्तन उन्होंने बनाया था, उसको बन गया। तब इसके अंदर बड़ी तरतीब से रचना का विस्तार हुआ। अब गोस्वामी जी महाराज अब 1589 के बाद ये सब समझा रहे, अभी हाल ही में कई युग में, कई युग में कोई सज्जुग तो नहीं है, कई युग में समझा रहे। बोलो पूजा पात्री ने मचारा देवर पूजा विधि तमाम पूजा पत्री ये वो देवर जो मंदिर बना करके देवताओं की उन मंदिरों में पूजा ये सब तबियत सब कर रखा, सब प्रसारा कर दिया, यही करो और इसी का कर्म बनेगा तो इसका हम फल देंगे। और जो उन्होंने कर्म किया इसमें बुरा भी करो तो उसका फल अलग, अच्छा करो तो उसका अलग, इसमें तो मन उनका धीरे धीरे इसमें फैल गया और रस भी मिला तो उसको छोड़ते गए और करते गए और छोड़ते गए, इसमें फंसे, इसी में फंसे पसारे। अब जब निर्मल थे तो इसको फंस को मसारा करने क्या जरूरत थी, तो जीव तो निर्मल था। और आप कहते हो हमको साफ करो गंदगी, तो पहले तो गंदगी नहीं थी, तो जीव को ले आए तो गंदगी क्या, अब मतलब ये साफ रहता तो वापस चला, तो साफ रहा तो वापस चला गया। जब कोई नियम नहीं बना था और ब्रह्मा विष्णु महादेव आकर के इस जमीन पर तपस्या नहीं की तब तक तो कोई नियम नहीं था, तो जीव जितने में निकल गए बाहर वापस लौट गए अपने घर में अपने देश में, और बाकी जो रह गए उनके लिए पसारा कर दिया कि चले जाएंगे सब तो फिर हमारा राज्य खत्म हो जाएगा, अपना राज काम करने के लिए ये किया भगवान ने तो फैला दिया इनके द्वारा सब वितरण करा दिया। अब लग गए यहाँ और वो तो छुपके बैठ गए और तो सैदल कर बैठे तो मिलते नहीं, और ये भी अब नहीं मिल रहे, और पूजा पत्र भी आप सब कर रहे हैं, कह रहे हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम ब्रह्मलोक पे जा रहे हैं, हम विष्णुलोक पे जा रहे हैं, और जाते हैं वह नरक पे जा रहे हैं, और बता रहे हैं सब कि भाई ये तो सब इन्हीं का प्रपंच फैला है। बोलो सकल जीव भर संयम और तरह तरह के उपास और तरह तरह की क्रियाएं बताई तामे सब जीव के सब भर। और संत वही तो बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर गंदगी है उसको जल्दी साफ कराओ, और गंदगी जब साफ हो जाए तो तुम यहां कोई कर्म नहीं करना, उस संत के साथ जुड़ो, कोई कर्म नहीं करना, वो कर्म चेतन कर लो और सुरत को सब से चढ़ो और ऊपर को चढ़ो। जब चढ़ोगे शब्द को पकड़ के तब ये मिलेंगे, बगैर शब्द पकड़े हुए वहां नहीं मिलेंगे, चढ़ाई करनी है। शब्द को पकड़ के जाओगे तो कितने करोड़ मतलब योजन ऊपर जाओगे तब वो मिलेंगे वहां, वो भी है कि तुम निर्मल हो जाओ तो, तभी तो कहते हैं निर्मल बुद्धि निर्मल चित्त और निर्मल मतलब मन, और निर्मल मतलब ये है कि ये अहंकार और अंतःकरण निर्मल और शब्द मिलने तो मुझे पता है निर्मल तो, और कर्म करते रहोगे तो गंदगी लग रहे इस अंधा के अंदर सब पूरी की पूरी गंदगी पाप और पुण्य की लग गई तो जीवात्मा के लग गई तो कैसे उठाएगी।
प्यार से समझा रहे, इसमें बुझा दिया। अब जो इस क्रिया में जन्म देवलोक तक यहां तक पड़ गए, इसी में भर में रहते हैं, क्या करें, रास्ता तो कोई उनके पास नहीं। बोलो, ये मेरे मान का मैं सकीना मोक्षराह का निर्माण ने, ये जितने भी आए उन्होंने तो रास्ता बताया नहीं मुक्ति का, और इनका ही रास्ता नहीं बताया, जितने लोग आए सब चुपा गए। और इन्होंने तो भाई जिसको निर्वाण पद कहते हो उनका तो ये पसारा फैलाएगा और तुम इसी में फंस गए, और निर्वाण पद को भी अभी प्राप्त कर रहे हैं कि चलो भाई उनसे मिलेंगे ऊपर बैठे हुए, जो हमारे तीर्थंकर ऊपर बैठे उनसे चलो वो भी काम। अब ये बाहर की क्रिया फंस गए, और गंदे हो गए, अब गंदे हो गए तो प्रताप कर रहा, दो दल कमल काल का देश और कर्म स्थान स्थान पर देश, और दो दल कमल वहां बैठे हुए और फौरन उतरे उन्होंने बन गया हिजाब किया और फौरन भेज दिया। आपने क्या देखा, वो जानते ही नहीं, और वो समझा रहे उनको, जैनियों को समझा रहे हैं जैन पद्धति से, जैन की किताबों से समझा रहे कि भाई तुम्हारे क्या है देवता, निर्माण पद कह रहे हैं। बोलो, मुक्ति काल चौथे बसराई पंचम काल जो दीन छिपाई, कुछ नहीं कहते मुक्ति 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 का पता ही नहीं क्या मतलब ये बताएंगे, कोई स्वर्ग में तो मुक्ति है नहीं है न वैकुंठ में मुक्ति है, क्योंकि इन मुल्कों में यानी कई खंड स्वर्ग में वैकुंठ में कई लोग हैं, तो इनमें तो कहीं मिलती नहीं है। और फिर उसके बाद सूझ लोग सैदल कमल में जाइए, उसमें बहुत से मतलब लोग हैं, तो उसमें भी मुक्ति नहीं है। ऊपर ब्रह्म है वहां भी जाओ तो ब्रह्म लोग को भी कोई मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो बहुत दूर उसको छुपा लिया, क्यों जब जानते नहीं तो छुपी छुपाई है। जब कोई आदमी घर में खजाना खड़ा और नहीं जानता है छुपाई है, अब वो बीजक लेकर के पढ़े कि हमारे बाप ने इतना इतना करोड़ इसमें घर में रखा है इतना करोड़, तो मिलेगा कहां से, जब कोई जानता होगा तब तो बताएगा, कोई जानता ही नहीं, तो बखान करते रहो देखा तो है नहीं आपको तो रखा हुआ और मिला नहीं आपको, जब नहीं देखा तो कैसे मिलेगा, देखते हो तो मिल जाते ही रखा तो आप उसको पकड़ लेते। ऐसे ही मुक्ति है तो मुक्ति मिलेगी कैसे, मुक्ति का तो बहुत दूर रास्ता, वो ऐसे थोड़ी मुक्ति तो मतलब यह है कि कहते हैं कि चलो उत्तराखंड में, बात बिल्कुल सही है, कहा तो उत्तराखंड में हुआ उत्तराखंड है वहां, और वे कहते हैं जाओ उत्तराखंड में मानसरोवर मिलेगा और मानसरोवर स्नान करो तब उसके बाद में तब मुक्ति में जाओगे, ऐसे मुक्ति नहीं, तो मुक्ति जो है स्वर्ग वैकुंठ में नहीं, ईश्वर के लोक में नहीं और ब्रह्म के लोक में नहीं मुक्ति, और मुक्ति मतलब यह है कि पार ब्रह्म, वहां भी मुक्ति नहीं है, और सरोवर में स्नान करो फिर चलो आगे तो पार ब्रह्म के पार मुक्ति मिलेगी, पार ब्रह्म और महाकाल के बीच में मुक्ति स्थान है, मुक्तियां है ही नहीं और यहां किसी लोक में नहीं मिलेगी, अनंतों लोक है बीच में और किसी लोक में मुक्ति नहीं है। अब वो क्या करेंगे बेचारे जी, और किताबों में लिखा है और लिख दिया तो मुक्ति तो स्वर्ग में भी हो जाएगी, कहते हो वैकुंठ में भी होती है मुक्ति का देश, तो जो आया वो कहने लगे मुक्ति लगातार तुमने मुक्ति पाई है, जो बखान करते हो किताबें पढ़ करके तुमको मुक्ति मिली गए मुक्ति, तो तुमने देखा कहने हमने नहीं देखा किताबें, तो जिन्होंने किताबें लिखी उन्होंने देखा था, उन्होंने लिखा था आपने तो नहीं देखा। सतन की न पुराना धर्म चलाया, जो उन्होंने भेद लिख दिया उसी का उल्टा कर दिया, सरल कर दिया उसी को सर, उसी को कहते हैं उल्टी सर, और उल्टी सर क्या थोड़ा सरल कर दिया भेद बहुत थे, क्योंकि वो अंतर की भाषा है तो समाधि में ही सुनी जाती है, वैसे उसकी भाषा समझ में आती नहीं, तो उसी को सरल कर दिया, जैसे अपनी देवनागरी उसको सरल कर दिया तो सब भाषा मिला करके कवर कर दिया, और वो देवनागरी सुधरे ही नहीं गई, अब मिली जुली भाषा है, कुछ उधर की कुछ इधर की है, कुछ मतलब ये है कि वो आसाम की कुछ यहाँ की कुछ मुसलमानों की, कुछ उर्दू है कुछ हिंदी है कुछ ऐसा कुछ संस्कृत के शब्द है कुछ उसमें अंग्रेजी के शब्द, सब मिले जुले सब भाषाओं को सब सरल कर दिया, लेकिन वो बहुत क्लिष्ट योग नहीं सुनी जाती है, उनमें बात ऐसे समझ में नहीं आती, तो जिन लोगों ने समझाया वो यहाँ का चिन्ह लिया उसने समझाया, स्वर्ग वैकुंठ का नहीं आएगा यहाँ, वो यहाँ का लेगा,
वो चिन्ह बताया उनको, असली चीज तो छुप गई और चिन्ह लगाते रहो, तो ये पसारा फैला दिया और बस अनजान में अंधे होकर के करते रहो। इसमें होने चाहिए बोलो ये सब भेद कहा हम जानी, यह विधि जैन धर्म निर्वाण। महाराज कहते हैं कि भाई कर्म धर्म ये हमने सब अपनी आंखों से देखा, तो जान करके मैं तुमको समझा रहा हूँ, रास्ता तुम्हारे पास है, जब तुम्हारी निज आंख खुल जाएगी तब उसको देखोगे तो बता रहा हूँ, बिना आंख खुले हुए नहीं देख सकते। अब ये धीरे धीरे आने जाने से ससुर मिल गया, अब ये मतलब झील हो जाएगी, अब ये सुन रहे हैं ये तो चकित हो रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या सुना रहे, क्योंकि ये तो कभी और सुना नहीं है, और अभी कलयुग में बैठ के समझा रहे हाथ से लेकर के अंत तक। वो कहते हैं वो पुरुष वो एक ही अकेला ही है, अब भी वैसा ही है, उसने इतना विस्तार किया है वो जैसा कहता सही है, और भी विस्तार कर दे वैसा ही रहेगा, पहले वही था, ये सब उसी में था, कोई उससे बाहर नहीं थी। अब उसकी मौज मर्जी से वो हिलोर उठी, समुद्र का ज्वार भाटा उठा, उसने मतलब ये रचना की। अब वो जब रचना कर दिया तो कहते हैं मैंने तीन देशों को, तीन लोगों को, अगम लोग, अलग लोग और सतलोग इसको स्थापित किया, अब जो कुछ भी रचना नीचे की होगी वो सतपुरुष की बचत होगी, उसमें अनादि पुरुष और अगम पुरुष अलग पुरुष उसमें कोई बचत नहीं, और सतपुरुष की मर्जी उनसे, और जो इनकी मर्जी वो उनकी मर्जी, उनकी मर्जी इनकी मर्जी, अगर हुक्म नहीं होगा तो नीचे की रचना नहीं होगी, वो तो मर्जी से सकता होगा, तो उसमें निज रूप है, सतलोक में भी अलग अगम में भी निज रूप है अनादि पुरुष का, तो उनके हुक्म से हुआ मौज हुई है सतपुरुष की, उसी है उन्होंने सोलह पत्र भेजे। बोलो अभी आंखों देखा हाथ जो अपनी निज आंख के ज्ञान तत्व से तीसरे जैसे पहुंच करके जो देख रहे हैं कि हाथ से अंत तक हाथ से हाथ तक कैसे विस्तार, और ये भी देख रहे हैं कि क्षमताओं कैसे होता है, ये नहीं कि विस्तार हो गया तो ऐसे ही रहेगा, क्षमता हो जाता है, प्रलय हो जाती है, महाप्रलय होती है, क्षमता हो जाती है, वो सब देख रहे हैं और सबको वर्णन करेंगे, क्षमता भी वर्णन करेंगे और विस्तार भी वर्णन करेंगे। बोलो सोई काल सब जाल बिछाई सतपुरुष की रान पाई। कहते हैं भाई उन्होंने जाल बिछा दिया और सतपुरुष का सतलोक का जो रास्ता था उसको छुपा दिया, क्या मतलब है जब कुछ कहेंगे नहीं तो छुप जाएगा, एक पीढ़ी रही वो तो चली गई, दूसरी आ गई तो उसके सामने कुछ रखा तो छुप गया, हमेशा के लिए छुप गया, सतपुरुष का रास्ता छुप गया, और ये पसारा फैला हमारा राज चलता रहे, हमको बड़ी तपस्या के बाद ये सब मसाला और सुरते मिली और ये चली गई तो फिर हमारा यहाँ क्या रहेगा, इसलिए ऐसा। अच्छा इनकी मौज मर्जी में वो दखलंदाजी इसलिए नहीं करते कि उन्होंने दान दे दिया, दान दी हुई चीज छीन नहीं सकते, ये सत्य का वसूल है कि दी हुई चीज भी छीन सकते, कोई तरकीब होगी उससे निकाल करके ले आएंगे, निकाल तरकीब से ले लेंगे, लेकिन वैसे नहीं लेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो आप जबरदस्ती क्योंकि अगर सोचे चलने की तैयारी करेंगे हम चलेंगे तो मतलब ये बस निकालेंगे, जब यार किसी चीज को चाहेंगे नहीं तो निकाले जाएंगे सीधा सीधा, मैं और जब तुम चाहते हो तो मैं छोड़े गए हमको बताए, जब आदमी कोई नौकरी करता है और कहता है कि हम नहीं करेंगे बस हमने जो कुछ करना था कर लिया अब तो हम जा रहे चलाएगा, और वैसे वहां से निकल नहीं सकता, तो वो कहेगा हमारा ऐसा करता हम कर सकते, क्या तुमने लिया क्या दिया, तो देखेगा अपना कारण, अगर कुछ रहा तो रोकेगा और नहीं रहा तो कहेगा जाओ छोड़ देगा क्या करेगा, तो यही है बात। बोलो सतपुरुष का भेद निराला जहां शांत करे दरबारा, कहते हैं सतपुरुष का जो भेद है वो निराला, खाली संत आते जाते वाले निवास करते हैं, उनका तो वहां दरबार लगता है, जो भी संत वहां आते और जाते हैं सब समझता है सब यहां से ले जाते, बस उन्होंने तो जाते आते हैं कोई और बाकी को बनवा लिया बुला दिया रास्ता। बोलो संत शरण जो प्राणी आवे ताको संत राम सलाम, जो उनके
उनके पास आएगा, सत्संग सुन लेगा, उनसे प्यार करेगा और उससे प्यार कर लेगा उस रास्ता देगा कि चलो तुमको ले चलो। तो पहले इसी से तो मिलाएंगे, पूजा तो सबसे पहले इन्हीं की, ये दरवाजे पर नहीं बैठे हुए, इन्हीं की पूजा है। तो इनका नाम, इनका रूप और इनकी आवाज इनका वही कर, तो पहले तो रस्ते में तो यही मिलेंगे, तो भेद बताते कि चलो चलो हम तुमको रास्ता बताते ले चले। तो जब प्रेम कर लेता है चलने के लिए, सत्संग सुनेगा तब उसकी इच्छा यहाँ से टूटेगी, सत्संग नहीं सुनेगा तो इच्छा कैसे टूटेगी, उसका झुक झुक की इच्छा उसका विस्तार ये कैसे टूट जाएगा, छोड़ कैसे दोगे। सत्संग सुनोगे और सत्संग सुन के जब इधर से मुड़ोगे तो उनसे प्रेम करो तो रास्ता बता देंगे बच्चे, तब नाम पकड़ाएंगे कि नाम को पकड़ो चलो बोलो शांत शरण जो प्राणी जावे ताको शांत रावत रावे। प्राणी सब कुछ शरण में आ जाए उसको रास्ता बताते और उसको ले चलते बोलो। धर्मा कर्मा चो कृत भय ये तो अगम गाई गति गये, ये तो अगम की बात है, जो वर्णन किया है ये तो हमारे शास्त्रों वाली किताबों में नहीं है, ये तो कुछ और ही और हमारा वेद भी कहा, यानी हम जिसको मानते वो भी कहा और इसके अलावा भी कहा, तो फिर जब औरतों में चीख हुई तो मगर दर्शन के लिए यही बात होती। बोलो दिल सतसंगति पावे नाही तुलसी कहे सबे गोराई, महाराज कहते हम तो जो कहते वो कहते ही है, लेकिन बिना सत्संग के कोई भी नहीं पा सकता और सब संतों ने गौराया कहते हम तो कह ही रहे, लेकिन जितने भी संत आए सबने गौराया, सबने बिना सत्संग के नहीं मिलता, सत्संग से ही मिलेगा। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, सत्संग सुनोगे संसार को सब चीज को समझ लो और समझ करके जब इससे नाता रिश्ता भावना प्रेम से जितना लगाव प्यार और जितना मोह ममता टूटेगा तब फिर उधर को समझ में आएगा। तुलसी तत्व विचार संत वेद ज्ञाना कहो, गहरी कह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं, जो कुछ भी कहा ये सब आपको सच कहा, लेकिन ये कि हमारा जन्म जो कुछ भी कहा ये सब आपको सच कहा, लेकिन ये कि हमारा जन्म इसको जानता नहीं। अब इतने बड़े विद्वान काशी में रहते हुए मुख्य अब वो ये बात कह रहे हैं कि आप कर सकते और हमारे यहाँ इसको तो बात जो सत्य सत्संग जी तो आए बिना सत्संग के समझ में कैसे आएगा, ये तो पढ़ाई है, स्कूल में बच्चा जाए तो उसको ऐसे बैठा दी तो क्या पढ़ेगा, जब वो पढ़ाएगा तभी तो पढ़ेगा, एक एक अक्षर का और मिले हुए अक्षर का बोध कराता फिर वो कहता है इसका चीज का नाम ये है, इस चीज से इतने का अक्षर बनते हैं तब ये बनता है, तब पद में कहा जाता है, जैसे आम लिखा तो आ माँ लिखा तो माँ, ये बना करके कहेंगे इसका नाम है आम, ये जब पढ़ाएगा तो समझ में आए, ऐसे ही महात्मा पढ़ते हैं, ये पसारा किसने फैलाया, मसाला कहाँ से आया, मांग करके कहाँ से जाए, किसने दस्तरा का विस्तार किया और कैसे भूल भुलैया कर डाल दिए, सब्जी भूल गया रास्ता हो गया, बस जब कर्म में फंसा लिया और गंदगी जमा हो गई तो उसका बंद हो अब कोई नहीं जानता, अब संतों की जरूरत है, मेरा उनके कोई नहीं था, जब संत मिलेंगे तभी रास्ता ही खुलेगा। बोलो सो पहुंचे वही द्वार अगम सार तो ही लखी पर, कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि हम तो जो कहते कहते हैं जिन संतों ने जिनका शिक्षण मिला उन्होंने रास्ता बताया वो पहुंचे और हम कहते हैं दरवाजे पहुंचे और वहां जाकर दीदार दर्शन किया, दर्शन किए उन्होंने और उन्होंने कहा कि हमको पहुंचाया, ये मोक्ष कहूं निरवार संत चरण लागी रहे, तो कहते मुक्ति मिलेगी कैसे, भाई संत तो जब वही से उसी रास्ते से जाते हैं जहां मुक्ति का रास्ता वही से आगे निकलना, तो कहते मुक्ति तो नीचे परी परी लौटती है और उस दरबार को चाहती है किसी तरह से बच्चों संत कृपा करे तो मैं भी उस दरबार में पहुंच जाऊं सतपुरुष के दरबार, मुक्ति तो हो जा नहीं सकती,
तो रास्ते में लौट रहे हैं, पड़ी जितने सुरते हैं सब वहां पड़ी हुई, वो नहीं वहां जाते। संत कृपा करे तो वहां के सुरतों में ले जाते, उतना वहां वो उतना स्थान, इतना बड़ा स्थान है वो मुक्ति का, लेकिन पार विमान के पार है, फिर भी ये घेरा है, घेरे में पड़ी हुई है, ऊपर नहीं जा सकती, वही पड़ी रहेगी, ऊपर नहीं जाए। तो मालिक के दर्शन दीदार से तो दुखी है कि दर्शन नहीं मिलेगा तो मतलब तो कुछ नहीं, तो बीच में पड़ी, और बीच में जितनी सुरते हैं जिन मंडलों पर उनके पास नहीं जा सकते। 15 जो सुरते हैं उस मंडलों में यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो मृतलोक में तो और तीनों लोग ऊपर तो कजाकत रेसे रेसे के अंदर उठने वाले, जैसे इसमें से भंडार निकल रहा ऐसा, और इतना मतलब ये तो वो सब मालिक के दीदार दर्शन से बनते थे, क्योंकि भंडार दे दिया था, इसलिए वो भंडार है तो थोड़ा ही था, लेकिन अब ये है बहुत, देखने में बहुत है, और वहां देखो तो कुछ नहीं, वो तो अथाह सागर है, उसमें से थोड़ा सा कुछ देखोगे उसमें क्या भर पड़ने वाला, बोलो। फिरे संत की लार करे संत निर्वार, अभी है कि संतों के कहते हैं चरणों की दासी, और जो पड़ी रहती है भाई मेरा भी उद्धार कर दो, ऐसी कृपा दया करो कि मुझे भी घर पहुंचा दो, वो भी चाहते। संत सूरत से चरे काफा गगन पूरी वो करे निवास, भाई संतों के पास जा करके और रास्ता लेकर के संतों के साथ चलना, तभी ये गगन का कहते हैं द्वार उठेगा खुलेगा, और तब चलो तब चढ़ाई होगी, तब के द्वार तो चढ़ते जाओ गगन फोड़ते जाओ, ऊपर में जितने चढ़ते जाओ तो गगन फोड़ना आकाश हो जाए, आसान हो जाएगा, धीरे धीरे टूट जाएगा, वो तो बहुत गगन है, बहुत आकाश है, एक दो आकाश, उन सबको तोड़ना है मेरे संतों के साथ, वो जिस रास्ते से जाते हैं जिस करते थे उसी संत को पकड़ के चलो, और साथ साथ आगे पीछे भूलना नहीं, इनमें कहते हैं बराबर याद रखो, तो भूल जाओगे तो फंस जाओगे, और भूलो नहीं याद रहेगा तो चलते चलो, ऐसे ही आकाश टूट से चलेगा तो निकल जाओ। पांच तत्व का वाहन भाषा चंद सूर जल पवन स्वामी महाराज कहते हैं पांचों तत्व है वहां तो ये जाते थे, ये तो यही छूट जाएंगे, बस ये मतलब यही है इनका, ये सब मसाला इन आंखों के पीछे पांचों तत्व ये तो आ जाता है, और ये सूरज ये चांद और तारे ये भी मानी जाते चलना कोई मसाला बन गया, ये सब ये बोलो। पार परे सतपुरुष अकेला संत सूरत नित करती केला, भाई इन सबके पार उन सतपुरुष है मतलब जिन्होंने ये विस्तार किया, बात है अकेले वहां चलो यहां से निकल के सबके जा, तो 16 उन्होंने भेजे 16 पुत्र, और उनके इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मंडल है ये तेरे में नहीं आ सकते, मालिक ने किस प्रकार से कैसी रचना की है और कैसे कैसे भेजा, फिर सुरतों को कैसे दिया है, सब सुरतों का ही खेल है वहां, चेतन चेतन खेल होते हुए मालिक के दरबार में नहीं जा सकते, कोई तकलीफ नहीं है, एक एक सूरज के इतनी इतनी रोशनी है कि ये सूरज ऐसे हजारों यानी और लाखों सूरज एक साथ जोड़ दिए जाए तो उनके सामने एक सूरज के सामने कोई भी प्रकाश नहीं टिकेगा, ऐसा ऐसा प्रकाश है, लेकिन मालिक के दर्शन दीदार को वो नहीं हो सकते, उसके लिए दुख नहीं, और वहां कोई दुख नहीं किसी तरह का उन लोगों में, और वो अपने खेल और तमाशों से यानी मतलब यह कि वृक्ष बना दे और महल बना दे और ये कर दे पहाड़ बना दे, ये सब चेतन और दिखाई दे रहा है बड़ा भारी पहाड़ है, इतना फल बिगड़ गया और बन गए, ये हमेशा जीना आँख आँख मतलब पलक पलक होती रहती है, ये पलक चलते हैं जीना, तो ऐसे होते हैं कि चेतन का खान वहां सब कुछ होते हुए मालिक का दर्शन जीना सत्य, ये मतलब है इतना बड़ा विस्तार तो सबके, लेकिन ये जो है सबके छोटे
जिससे बड़े है ब्रह्म, उससे बड़े पार ब्रह्म और उससे बड़े महाकाल पुरुष, और जो बारह रह गए वो है उनके जीत बहुत बड़े बड़े, उनके जीत बहुत बड़े बड़े। ये तो मतलब है कि निशाने पर थोड़ा हट करते, लेकिन संतों ने उसका भेद है इतना ही सारा कर दिया कि और है मतलब ये उनके, क्योंकि वो उनको भेजा तो उनका तो रहेगा ही, और इनसे बड़ा बड़ा चारों और है, लेकिन दर्शन कर सकते। अब ये संत जाते जाते हैं तो ये उधर भी चले जाते हैं, तो लोगों को ले जाते, इनको सर्वशक्ति लेती है तो वहां से पहुंचा देते हैं। और आप मेरा इतनी बड़ी महिमा और इतनी बड़ी गति कि संतों को कोई नहीं पहचान सकता। तुम्हारे साथ रात में लौटते रहे, दिन भर बैठे रहे और दिन भर बात करते रहे, लेकिन उनको कोई नहीं पहचान, तो उनका खेल बड़ा। जो कोई जीना नहीं न हो आवे ताको सतगुरु राम। अगर कोई आदमी दीन होकर के आता है, सत्संग सुनता है, समझ लेता है, तो कहते हैं सत्संग उसको रास्ता बताता और उस जीव की मदद करता है, पूरी मदद करता। और जब आएगा और दिन नहीं होगा, उनका नहीं होगा, अपने को तन मन देगा नहीं, और तन मन देगा ये सब चीजें करता है उनको दे देगा, तो फिर उसको क्या रास्ता है, क्या कोशिश करते हैं कि मैं रास्ता पा जाए जल्दी, और दिन हो जाए तो जल्दी जाए, और दिन नहीं होगा तब नहीं। तो हम इसी में बदले रहते हैं, बनावट अहंकार हर चीज में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार ममता आशा तृष्णा, इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए आपकी चाल के उस द्वार पर बैठ ही नहीं पाते, नहीं तो चाल के द्वार पर बैठ जाओ सब खींच रहे, क्योंकि आपकी तो कोई इच्छा नहीं। तो जब संतों से प्रेम हो जाएगा तो खींच रहे, प्रेम नहीं होता है उनसे प्रेम होगा ये टूट जाएगा, दर्द टूटेगा, उनसे प्रेम हुआ तो खींचा, और नहीं तो मतलब ये है कि फिर बड़ी दिक्कत, फिर कहोगे कसाई है कि जो बोलो। दो लसी लोके कहो सहजाई संत चरण दौलत फिरे, दो आदर न पाई पाई लगन लागी रहे। अब यह है कि भाई मुक्ति जो है वो तो यहाँ तो है नहीं बातों से, ना देखने से, ना किताब देखने से, ना पूजा करने से, मुक्ति तो इसमें सब छोड़ने पड़े, ये सब टूटेगा तब जा करके मुक्ति। तो ये शरीर यहाँ रहते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर अपने मंडल पर, और लिंग शरीर अपनी जगह पर, सूक्ष्म शरीर वो मतलब है कारण शरीर अपनी जगह रहेगा, अब उससे अलग होकर के जाएगा तो सूरज जब शब्द शब्द रूप हो जाएगी तब जाकर के मुक्ति में पहुंचेगा, वह तो शब्द ही शब्द है। तो पार ब्रह्म में, तो पार ब्रह्म में तो शब्द ही शब्द है, वहां सब लीला शब्द ही किया, वहां शब्द ही का गुंजार है, इतना सब कुछ होते हुए ऊपर नहीं जाते अपने आप, उनके लिए समझते हैं। बोलो कहे तुलसी सुने मुक्ति बखाना, धर्मा कर्मा सुनियो काना। हाँ बोलो बोलो, मुक्ति संत की निशन दासी परी रहे चरण में। तुझी बात को समझ महाराज कहते हैं भाई, मुक्ति तो संतों के चरणों की दासी है, अगर संत को पकड़ लिया तो भैया तो मुक्ति भी देख लेना, और आगे निकल तो उन संतों को ढूंढो, उनकी तलाश करो, कहाँ मिलेगी, ऐसे तो परख पहचान मिल जाएगा। अब तो वैसे तो चिप हो गई है, दाढ़ी रख रहे बाल रखे, कपड़े गेरुए सब पहले काम लगते, तो क्या हो गया क्या, बहुत से लोग कहते हैं हम आप जाइए दादू में क्या हम सकते, हम संतों को खिलाओ, हम संतों की सेवा करो, संत ऐसा तो करो, वो तो जो संतों ने महिमा की है वो महिमा की है संतों की, अपनी तो महिमा उन्होंने की, अपने को तो दास सेवक रहे, और वो कहते हैं हमसे, अब ऐसा तो बताइए फिर कितना अंतर होगा, संत क्या है और वो क्या हो, अपने को मिल रहे कुछ पता ही नहीं, कोई संत होता है सर, अरे तो मतलब ये है कि कोई अंधकार होता है, ये सोना चांदी है, हम वो संत जानते हैं जो चरणों में जाएगा, जिसको दिव्य चरणों का अंतर जब लगाव हो जाएगा तो उसको कहते हैं चरणों में लग जाओ,
चरण में लग जाएगा तो बोल ही जाएगा। एक ये बाहर के स्कूल, ये स्कूल जो चरण है ये तो स्कूल चरण, स्कूल कर्म काटने के लिए, ये वासना काटने के लिए, और अंदर में सूरत के चरण वाला है। वो चरण गुरु के अलग है, उनमें लगने के लिए आ सकता कि जो उनका हो जाएगा उसको, और बाहर घूमता रहेगा तो रोटी मिल जाएगा। ऐसे चरण में थोड़ी आप हो जाते, ये होना बात के बातों से होना बहुत मुश्किल है। स्वामी महाराज के पास एक आदमी आया, हम भी वहां मौजूद थे, कहने लगे भाई बाल बच्चे कैसे अच्छे हैं, कितने बच्चे हैं, और मकान क्या मकान है, कहने लगे कि हमारे हमारे दो मकान है, दो मकान है, और ये वो। तो बीच में कई बात भूल गया, कैसे भूल गया, क्या हो गया, उसने कहा ये आपका, तो कह लगे हमको दे दो भाई, अब वो तो तुम्हारा था ही हमारा, हमको दे, कोई बात निकल गई उसके मौत, तो तभी ये कहा कि हमारा ही हमको दे। वो कह रहे थे देखो मैं परख पहचान करा था, तो मकान भी कहा, बच्चे भी सब कुछ, तो कहा ही हमारा, कहते हमको दे दे, तो कह लगे ये दे देंगे तो हमारे पास क्या, वो कहेगा ये हमारा है, ये वो तो देगा क्या, फिर उसके पास क्या है, चला गया। तो कहते हैं जवाब से बाकी दे नहीं सकते, देने में तो जान जाएंगे, और जो संतों को दे देता है, जो चरणों में लीन हो जाता है, जो हुआ तो सब दे दिया, हमारा कुछ है नहीं, तो सूरत को अर्पण कर दिया, फिर क्या देंगे। और तर्मन इसलिए देना चाहिए कि कोई बुरा काम न बन जाए, इसलिए तन और मन दे दो, मन इंद्रियों के दरवाजे पर बैठा, तन ये इंद्रिया चलेंगे और घोड़े पर सवार हो जाए मन, और वो काम करेगा तो बुरा काम करेगा, इसलिए तर्मन दे दो बाहर से, और अंदर में सूरत को चरणों से, क्योंकि अंदर में सूरत को शब्द से जोड़ते हैं, जैसे जुड़ी की चरण मिले और प्रकार से स्वरूप चरण मिले, अब वो जुड़ेगा नहीं तो चरण नहीं मिले, तो उधर जाएगा नहीं, तो चढ़ाई नहीं होगी उसकी। शांत दिवस दर्शा जाई, सत्संग करे बहुत लोला। संत जो है वो जीव, जीव को धीरे से रस्ते से लगाकर सत्संग कर करके उसको बताते हैं, और धीरे से लगाते हैं और लगा लेते हैं, तो उसको तब उसको दिखाते राह बता करके तब दिखाते हैं, और रास्ता बताया गया मैं चलो ये रास्ता है, तो जब चल देता है तो दर्शाते दिखाते जाते हैं, दर्शाने का मतलब ज्ञान कराते जाते हैं, आपको देखता जाएगा और उसका बोध उसको होता जाएगा। बोलो चमको पांचम कालन पावे, चौथे काल मुक्ति को जावे। वो कहते हैं कि वो ये काल भी निरंजन भगवान हो तो उनको भी मुक्ति नहीं मिल सकती, वो तो ऐसी जगह बैठे मुक्ति से बहुत हुए, उनको भी मुक्ति नहीं मिलती, तीन लोग के मालिक है दो बात में, परमात्मा है ईश्वर है सब कुछ, आपको शरीर दिया है सब कुछ ठीक है, उन्होंने वहां से अपनी आवाज को उतारा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुक्ति नहीं उनको मिल सकती, उसी लोगों से बहुत हुआ, और संतों को और जो संतों के द्वारा जो उनकी कृपा से यदि सुनते जाएंगे सबको पकड़ के उनको मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं जा सकते, वो तो मुक्ति का बहुत ऊंचा स्थान, अरे इनको यहाँ नीचे बैठा दिया सतपुरुष ने, इनको भी बैठाया, ब्रह्म को भी बैठाया, और पार ब्रह्म को भी बैठाया, और बीच में मुक्ति का मुकाम, और ऊपर में महाकाल को ऐसा बैठा। बोलो अब तुम सुनियो चित्त लगाई, तुम्हारे शास्त्र संग लगाई, कहते भाई तुम्हारे शास्त्र में जो लिखा हुआ उसी को और कर लो। बोलो महावीर तीर्थंकर कहिया, बरस 18 से ते भैया। अब वो जो भी संबंध पे हुए वो स्वामी महाराज के थे, पर इतने सन में ये हुए थे, तो मतलब ये है कि उनको वही कितना, अभी मतलब ये लगभग 2500 के करीब आगे पीछे बहुत हो गए, इसी के आगे पीछे ये भी हो गए, मतलब ऐसे ही मतलब होते हैं, फिर उसके बाद में मुसलमानों में आए, ये मतलब पीर पैगंबर आए वो तो हो लिया, फिर उसके बाद में मोहम्मद साहब की जमा है इसी सब पीरियड के, इनके पीछे आ गए ऐसे।
अब वो कहते हैं भाई तुम्हारे ये जो तीर्थंकर है, ये जो यहाँ आए मतलब ये उनकी बात कहने के लिए, तो उन्होंने तो किसी को बताया नहीं, कहा जरूर है कि निर्वाण पद है निर्वाण पद, और निर्वाण पद में एक भी नहीं पहुंचा, उपदेश तो किया है। तभी तो कहते हैं कि हरि त्यागे, हरि को त्याग देते हैं हरी सब्जी ये नहीं खाएंगे, और मतलब ये पत्थर की पूजा करते चेतन की करना चाहिए था, क्योंकि तो वहां चेतन बैठा हुआ, चेतन की पूजा नहीं करते, पत्थर की पूजा करते, चेतन की पूजा करो अंदर में चेतन, तो वो तो उन्होंने बताया नहीं, और बस ये है कि प्रचार। अब प्रचार में मतलब जो जो बताया उन्होंने क्रियाएं की, कपड़े फेंक दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, नंगे रहे तो किया, उसने कहा भगवान मिल जाएगा, 100 कपड़े पहनो तब नहीं मिलेगा, एक भी कपड़ा पहनो नहीं मिलेगा, कुछ भी करो आप सोने से डर जाओ तो नहीं मिलेगा, और सब फेंक दो कुछ मिलेगा ही, वो तो रास्ते ही कर चुके, वो संतों का रास्ता है प्रेम प्रकट हो में जाना, प्रेम का रास्ता है, और प्रेम करोगे संतों से तो ऐसे नहीं, क्योंकि कई लोग जोग देगा कि ना क्या ना, कई लोग में जब से लगा तब से जोग जग खत्म, कलयुग में जैसे ही शुरू हुआ, जिस समय पर महाभारत हुआ और परीक्षित को राज दिया गया, चंद्र बनाया गया, उसी समय पर कृष्ण ने कहा था कि द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, तो जाओ तुम परीक्षित को रात तिलक करना, जब इसको रात तिलक होगा तो द्वापर खत्म और कलयुग का अपराध होगा, और कलयुग जो सब कोई खत्म हो गया, अब कोई जो करे जग करे कुछ ये करे कोई फर्क, कोई वो सब फंस जाएगा, गमन में आ गया इनका, अब इस क्रिया से सुधर जाएंगे। उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम, अब महात्मा के पास जाओ नाम पकड़ा जाओ, नाम का आप आधार सारा ले लो चढ़ जाओ, तो चेतन के पास पहुंच जाओगे तब उसका दर्शन होगा, और फिर पकड़ोगे नाम को तो ऊपर चढ़ोगे तो ब्रह्म का दर्शन, और फिर नाम पकड़ोगे आवाज को फिर ऊपर चढ़ोगे तो ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन, आप शब्द से नाम से ही जाओ, ये आसान सबके लिए आसान, इसलिए भी कर सकते हो, पहले स्त्रियों के लिए मना था कि ये कुछ नहीं कर सकती है, छोड़ लो पतियों की सेवा करें, और उम्र का आधा हिस्सा जो लगा देते हैं वो चौथाई यानी 3 हिस्से के बाद में वो तो भजन में लगाते हैं, उनकी सेवा करने से इनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कह रखा था, कल्याण लेना क्या होगा, कल्याण ऐसे नहीं होता, अब कल जो मैं सब करूँ, सब महात्माओं ने कानून कायदे रद्द कर दिए कि ये सीधा रास्ता है मालिक के पाने का, और जो सीधा हो तो चलते रहे, और सज्जोहार सज्जो तेजा द्वापर का काम उतार के ले आते हम ये करेंगे आपसे हो जाएगा, आप निर्मल हो जाएगा, विवेक है मन आपका काबू में रहे, तो मन काबू में रखते थे तब नहीं होता था, अब मन हर वक्त भाग रहा कहते नहीं, अब ये नाम के सहारे से जीव पार कर जाएगा और कोई रास्ता नहीं, बोलो जे तुम कहो तिरति गाई पंचम काल मुक्ति कस पाई। अब आप बड़े ध्यान, ये मैदान तो गया भाई, आगे आएगी गुरुपूर्णिमा, उसमें अभी तो बहुत लोग नहीं आए, लोग सोचते हैं कि भाई अभी भंडारा हुआ था उसमें आए थे, तो जितने यहाँ बैठे हैं भंडारे में लोगों का अनुमान था कि 4 हिस्से आदमी, तो एक हिस्सा बैठा है तो 3 हिस्से तो वहां से जगह नहीं थी, आप एक जगह होना चाहिए, तो ये अभी आप गए थे तो मैंने जल्दी 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 ये मतलब ये सब करा करके, और ये मतलब आपसे कहा कि आप जल्दी से पैसा वैसा ले आओ तो ये जमीन का जल्दी से दाम दे दो, तो आप ले लिया और जमीन आपके सामने ले ली जाएगी, जिले भाई अपनी टोली बनाकर और जिले में जमीन के लिए कुछ अपना मतलब निकालो जिससे कि ये बैठने को मिले, और मैं रास्ता बताऊँ इनको, क्योंकि ये इंतजाम तो बाहर का आप ही को करना, मुझे तो ये करना है कि अंदर से चलो सीधे साधे, अब मैं इसमें जुट जाऊं तो ये बताओ फिर कैसे काम होगा, तो वो फेंकते चलो उसको थोड़ा बहुत निमित्त मात यानी फेंकते चलो जिससे कि आपको सुख सुविधा मिले बैठने की सुनने की,
कोई मैं आपका लूट नहीं रहा हूँ। जैसे 100 रुपए हैं तो उसमें से समझ लो कि चलो भाई 10 रुपए 5 रुपए चलो भाई, मतलब अपने सेवा कार्य में सब लोग आएंगे बैठेंगे उसमें करना आपको, ये तो करना है। मैं भी काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मतलब ये खेती में लोग कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत भी करते हैं भाई, हम भी खा लेते हैं और भी कोई आ जाता खाते, आप भी मेहनत करते हो, मेहनत तो करना ही, मेहनत सबको करनी, जो यहाँ रहेगा वो मेहनत जरूर करना, हम भी मेहनत करते हैं और वो भी मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन इतना बड़ा समुदाय जब आ जाता है तो उसके लिए कुछ कपड़ा चाहिए, कुछ बैठने को चाहिए, कुछ झाड़ू बारू चाहिए, तो मैं अकेला लगातार कब तक रहूंगा, सब साथ हो जाएंगे, सबका हो जाएगा। अब ये टेंट लगे तो सबका साथ हो गया, सबका साथ हो गया, सबका काम लगे, इसको ये सोच रहे तुम्हारा कोई धंधों में थोड़ी दे रहे कि आप हमको दे दीजिए, लेकिन उसमें से जो कुछ हिस्सा, यानी मतलब ये अपनी सेवा औरों की सेवा वो थोड़ा बहुत तो निकालना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े पाप करते हो उससे उसका यानी मतलब ये कुछ छटाई होती है, जो धन से दिया है, तन से किया, हाथ से किया, तुमने हाथ पैर से किया तो पवित्र पत्र कुछ पवित्र भी करते चलो, इसी अगर हो जाएगा और तुमको स्वाभिमान होगा कि हम सेवा की, हमारे भी काम आए हमारे तो हमारे को हम तो एक जगह गज में सारे मतलब 3 रात की जगह रहेगी उसमें चले जाएंगे, इतनी ज्यादा जगह चाहिए, हम भी उतनी जगह में ले जाते हैं और क्या करते हैं, लेकिन इतने बड़े समुदाय के लिए जगह चाहिए और इतना बड़ा संदिग्ध, अब अखबार में जगह न रहे तो वहाँ लोग जो है कैसे बैठे खड़े हो तो संदेश नहीं सुन पाएंगे, तो शांति से बैठने की जगह रहे। तो हमने अभी देखो तो आप देख रहे हैं कितनी मेहनत की, खुद खड़े होकर रात को 2 बजे 3 बजे रात को इनके साथ और लग करके तब ये जल्दी बहुत हो, क्योंकि आप आ रहे हो, आप आ रहे हो एक बार भी आपको जाए अपनी जगह जगह में जाओ, शहर शहर जिले की टोली बना करके और जल्दी से ताकि ये सब वहाँ बैठने की जगह हो जाए, समझ। और हम इनको जो जगह देती है उनको जितना में उनको बिकते हैं उससे पैसा ज्यादा दे देंगे, ज्यादा दिया है और ज्यादा दे देंगे तो दिलवा देंगे इनके बैठने के सबको। अब मथुरा नगरी के लोग हैं, अब मान लो जिस किसी की जगह और देगा पैसे ज्यादा लेता तो दे देते, लेकिन उनको भी तो बैठने की जगह है और मंदिर के लिए नाम है, बैठे ले तो आप मंदिर का वो तो एक नाम धोख बना रखी, अरे हम तो एक धोख हम क्या है, इसलिए ये संदेश कर दो जिसलिए आप आते हैं असली बात, मुझे तो भजन की बात करना और कुछ मंदिर अंदर की बात कुछ नहीं, तुम भजन करो वो हमको कहना और सबको ये रास्ता उनको देना बताना कि भजन करो और तुम्हारे पास सब कुछ खजाना है। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि दूसरी जगह रखा हुआ, तुम्हारे सबके पास रखा है लेकिन तुमने दाँत करके रखा और उस खजाने से अपरिचित हो, तो कोई परिचित मिलेगा तभी तो उसको उभारेगा, वो तुम्हारी घाटी में मिलेगा, कहीं बाहर नहीं घाटी में रहे और उसको उभार दिया जाए तो मिल जाए, वो उभारने वाला नहीं रहेगा तो बताओ मतलब एक कैसे, तुम तो खोज नहीं सकते हो, हमारे पास तो हाथ पैर नहीं है, तुम्हारे तो अंदर और बाहर की कोई आप हो क्यों क्या कोई शक्ति भी नहीं, तो दूसरा उभार कर कहेंगे उस तरीके को उस तौर को जो सुलभ से सुलभ जो आसान से आसान उसको समझ करके और जल्दी से उभरवा लें तो उसमें इधर उधर क्यों करते हो, उभार देगा उधर हटाएगा तो हटाने में पूरा कचरा छुट जाएगा, तो खाली बर्तन होता है तो मालूम होता है ये क्या हो रहा है, लगाई होती है तो वही बर्तन बर्तन थोड़ी टूट जाएगा तो उसकी कालमा उतर जाती है, तो तुम्हारा जो अंतःकरण है वो कालमा से भरा पड़ा एकदम से भरा हुआ और जरा उसको लगेगा तो रोते क्यों, जरा से कर लेंगे तो लगाई कर लेंगे तो मतलब मालिक समझ गया फक साफ मालिक लेंगे, अब तुम मतलब है कि वो गंदगी में दबे पड़े रहोगे तो सूरत निकल नहीं पाएगी, सारा खेल सुनोगे चेत चढ़ से चेतन ऊपर आ जाए, इधर आंखों को ऊपर आ जाए और नाम की धार को पकड़ लो, ये दरवाजा हमारे शरीर में ये दरवाजा यही जरूरत रहती है, लेकिन अब यह है तो गंदगी में दबी पड़ी हुई है बेहोश, अब जो होश में जाएगा वो तरीका मान लो जो होश में जाएगा तो तुमको जो बुद्धि बाहर से मिली हुई है जड़ बुद्धि उसका तो कम से कम उपयोग कर लो, उसका उपयोग हो जाए तो जल्दी से चेतन निकल जाए, अब बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो चेतन दबा रह जाएगा और मजा तुमको कुछ मिला चलिए बात, इसलिए हमने संकेत दिया आपको जिले भाई जिले के
जल्दी से अपना ये आओ और अपने लो, समझ गए, ताकि तुमको ये होगा हमने लिया। और संगतों के नाम जो लोग लेकर के आते हैं उन्हीं के नाम मतलब ये जमीन जी गई, बाबा जी के नाम एक भी ऊंचे जमीन गई, संगतों के नाम से जुड़े और वही संगतें व्यक्ति आराम करती है तुमको ये तो। और तुम जब नहीं हो तो तुम भी कहोगे मतलब कि भाई जगह तो चाहिए, अधिकारी आते हैं भाई जगह तो चाहिए, हमने कहा आप भी सहयोग थोड़ा दे दिए, प्रेरित किया जा रहा कि तुम अग्रसर हो जाओ चले, तो आपको चलना चाहिए। अब मैं भागो जाता मत, इधर कुछ ना मिला तुम कितने जो बीत गए कभी कुछ, और तुम उतनी को भाग रहे हो कुछ नहीं जाएगा, देखे अंधेरे में क्या मिलेगा, उसमें कटौते रहो कुछ नहीं, और जो मिलेगा वो सेमर का रुई है हाथ में कुछ रुक गए, ऐसे करते रहो कुछ नहीं, उसमें चोट मारेगा तोता और उसमें कुछ नहीं दबेगा, तो रुई है ऐसे ऐसे ये रुई है तुम्हारा कैसे चलेगा देखते हुए। और फिर इसके लिए तुम अगर रह गए तो फिर लोग चिल्लाओगे और फिर तुम भी फक हो जाओ और हमारा भी फक अभी फक हो जाए, हमारा क्या है, ये तो काम का मसाला है एकदम से भरो भरो टूट फूट जाएगा और अंतर राख हो जाएगा उनका मसाला, मसाले में चेतन बैठा हुआ उसे अपना काम कर लेना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग लिस्ट बना लो जिनको बताया जाए ये जमीन दी गई है और साफ लिस्ट तैयार अपने रखो, नाम की इनकी उनकी साफ मतलब यह चीजें, लोग आए अपने अपने जिले की लिस्ट तैयार। अरे जो अभी जमीने ले ली है आपने जो ली है सब लिस्ट को तैयार रखो, कभी जरूरत पड़े तो फौरन ले लो, ये है ये लिया गया फौरन, मतलब उसमें फेल करने की जरूरत नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठो भजन पर, पहले कराया था ध्यान तो 15 मिनट ध्यान किया, अब बैठ जाओ भजन पर, कपड़ा डालो भजन बैठो, आंख और कान बंद करो, ऊंचा ध्यान देकर मन बुद्धि चित्त को वही रोक करके सुनो, उस सूरत के कानों से सुनो ऊपर की तरफ तो गगन से आवाज आती हुई सुनाई देगी, उसी को लगातार सुन के रह जाओ, डर जाओ भजन पर। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कीर्तन, जय गुरुदेव नाम कीर्तन, अभी उठाओ ये करो, देखो मेरी बात को खड़े होकर सुनो, मैं इतने लोगों से तो मिल नहीं सकता और आप लोग सब चाहते हो कि मुझसे मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरे बस की बात जब मिलता रहा तो मिलता रहा, अब मेरे बस से बाहर हो गए, मैं बुढ़ा आदमी हूं, मैं जब चलता हूं तो मेरे पैर आप टूट डालते हो, ये सब सुन पड़े हुए सुन हो गए, ऐसे कूटते हो जैसे कोई मसाला कूटा जाता है, तो अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब इस तरह से मैं मिलने में असमर्थ हूं, मैं क्या करूं, क्योंकि तुम एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन अब करें तो मैं दूसरा कोई रास्ता निकालूंगा, तभी मतलब ये हो सकता, वैसे तो मैं सबको देख रहा हूं और सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब है कि आपके साथ में प्रेम प्रेम प्यार में या मालिक की दया में कुछ कमी हो, लेकिन अब यह है कि आप उसको नहीं समझते, मैं तो समझ ही रहा हूं, गुरु की कृपा ऐसी है जैसे उसके सबको जल्दी से इनको खेलो
तो क्यों ऐसी जल्दी कर रहे हैं? कोई बात तो जरूर है कि जल्दी भजन करो, जल्दी भजन करो भाई, भजन में बैठा करो, जल्दी से समय निकाल के बैठो, हर रोज किया करो, कभी ना लो, तो कोई बात तो जरूर है। अब तुम उसको ना समझो तो अब कोई चीज खुल्ला खुल्ला मत कहलाया करो, कुछ पोसीदा भी रहने दो, भारी बात का कुछ पोसीदा रहेगी तो अच्छा रहता है। लेकिन जो भजन करते हैं वो समझ जाते हैं, वो सब समझ लेते हैं, और जो भजन नहीं करते वो क्यों करते हैं वो नहीं समझ पाते, इसलिए भजन करो। हमारा इस समय पर पूरा लक्ष्य एकदम जिसको भजन कराने पर है कि भजन करो आप, इसी में मैं आपको और कभी कभी कह देता हूँ भाई सत्संग मिल रहा, सत्संग आपको मिल रहा है, मिलेगा नहीं, सत्संग ही मिलेगा नहीं, इसलिए चेत करते सत्संग भी सुनो और भजन भी करो, क्या करते तो इसलिए आपको प्रेरणा दी जा रही है। और स्वामी जी महाराज सब पर कृपा कर रहे हैं, सब पर कृपा हो रही है, दया हो रही, वो बहुत दया करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको झोली खोले रहते हो, उसको बंद नहीं करते हो, तो सब उनकी जो कृपा दया है वो गिरती रहती है, तुम गिराते रहते हो, चेतते नहीं हो, क्या चीज है। बोलो जय गुरुदेव। जब वो मथुरा बात क्यों सुन लो, जो मथुरा के रहने वाले आप सुनो, आपकी कोई भी जमीन ली जाएगी उसका पैसा जो यहाँ दे उससे ज्यादा ले लेगा, और बिना पैसे के कोई जमीन आपकी ली नहीं जाएगी, कभी शंका का मत करना, जो आप शंका करते हो और शंका भी नहीं है, पैसा आपको एक पाई भी लेगी आपको, उसमें जरा भी भूल भागी हो, अगर इन लोगों के सामने बेईमानी करेंगे ना, ऐसा करेंगे तो मौका दिखाएंगे, ये इतने जो लोग खड़े हैं इनके सामने मौके से देखने को मिलेगा कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा कभी मत सोचने में मत सोचो इस बात के लिए कि भाई किसी की जमीन है कोई सामान है उसका ले लिया जाए और दिया जाए, मथुरा में इतना सामान जाते हैं लोग, लेकिन कभी मथुरा के दुकानदार ये नहीं सोचते हो कहते हमारा रुपया हमारा पैसा जमा कर जाए मिल जाए, और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। आप मथुरा के हर दुकानदार से पूछो कि बाबा जी के यहाँ सामान जाता है, बहुत लोगों के यहाँ जाता है, सबका पैसा था किसी का बकाया है सबका, तो जमीन वाले भी किसी की भी जमीन ले गए एक नया पैसा नहीं छोड़ेगा उसको दे देंगे। अब ये जो जमीन है तो हमारी जमीन को एक बार कर लिया था उसके लिए कायदे कानून है, वो तो कायदे कानून अपने रहते हैं, हमारा एक बार नहीं करते तो किसी को बात एक बार किया था उसने पहले, तो उसने क्या बता दिशा तो आपने भेज दिया, आपके यहाँ से जा सकती है हमारे जा सकते हैं, उसमें क्या बात, जब निशान मिट जाए खेती का निशान मिट जाए तो क्या पता चले, वो तो कायदे कानून है तो न्यायालय में जो कुछ न्यायालय करेगा वो करेगा, आप बता रहे हमारा करा, लेकिन हम आपको सबके समझ ये बात कह देते हैं कि किसी की जमीन मुफ्त नहीं, मुफ्त नहीं, कोई अगर कहे हमारी जमीन आपने जबरदस्ती ली वो नहीं, पैसा ले अपना पैसा खुला चाहिए, ऐसी बात नहीं, ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ा कि लोग कभी कभी जो है अनजान ये कह बैठते, और हमने किसी के लिए नहीं है, जो लिया है किसी की जमीन मुफ्त नहीं, और किसी की जमीन पर कब्जा नहीं, मुफ्त की भाई किसी की जमीन मुफ्त के लिए कब्जा कर लिया, सरकारी जमीन पर ही हमने तो किसी का कब्जा किया, वो तो आप पूछो। बोलो जय गुरुदेव। और देखो सब लोग प्रेम प्यार से रहो, मिलजुल करके आपस में रहो, और जो कोई कहीं भी आपके सत्संग में आता जाता है वो गलती कर रहा है नामदान दे रहा तो वो उसका भोक्ता भी उसके सामने आ जाएगा, वो भोगेगा आपने क्योंकि भोजा तो उठा नहीं सकता, और ऐसा काम खाली पेट के लिए अगर करता है तो अभी भोजा लगेगा उस पर, अभी पता चल जाएगा आपको, इसलिए ऐसा कोई मत करो, अपना बेड़ा पार करो, और जब अपना कर लो तब किसी के बारे में सोचना, अपना कुछ किया नहीं और औरों के बारे में कहने लगे तो कैसे हो जाए, जब तुम ही गिरे हुए हो तो दूसरे को क्या उठाओगे, ऐसा काम कोई सत्संगी न करे, जिसने नाम डाल दिया और जिसको यहाँ से कहा कि अपने घर गाओ उसको भजन करने के लिए कहा कि चले जाओ भजन करो, यहाँ तुमको दिक्कत होगी वहां बैठ के भजन करो, चलने पे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को हमने दो चार पांच को कहा है कि मतलब आप भजन करो, आप संगत में ये नहीं कर सकते हो, भजन करो घर पर,
और उनको भजन करना चाहिए। उनको श्रद्धा खत्म मत करो, नहीं पीछे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। श्रद्धा खत्म करो, गोवर्धन के पीछे लगेंगे कि हमारा भी बर्बाद कर दिया और तुमने कुछ दिया भी नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम भाव से लोगों को चलने दो, भजन करने दो, उसमें रोना नहीं। और अगर तुम्हारे पास है तो दो उनको, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दो। उसके लिए मैं खुल्ला खुल्ला कहता हूँ तो दे दो इनको, जरा धोखे में नहीं रखो। अगर धोखा हो गया तो बेचारे नए आदमी इतने पड़े हैं जिनके पास पहुंच जाओ, उनके पास पहुंचो कि हमारे पास हम तुमको दे रहे, उनको दो। नए आदमियों को चल रहे और चले वालों की श्रद्धा को खत्म करोगे तो फिर बड़ा भारी अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा अपराध। जो बिल्कुल नहीं जानते सत्संग और जो बुरे काम में लगे उनके सामने कहो हम तुमको ये देते हैं और तुमको ऐसा करेंगे, वो तो ठीक है, चलो उसको सुधार दो। लेकिन जो ठीक चल रहा है वो चला हो गिर जाएगा, सारा ठोकर खा गिर जाएगा, फिर किधर करेगा। ऐसा मत करो, सत्संग सत्संगी के तौर पर काल घुस जाएगा और मतलब तुम्हें अलग लगा देगा, तुम्हारा नाश कर देगा और तुम नहीं समझ पाओगे। उसकी चाल डाल दो, कर्मों का बोझ मिलता मिलता। हमारे ऐसे को चक्कर आता, जब नाम दाम देते हैं तबियत एकदम खराब हो जाती है, एकदम हो जाए पर हमारी तबियत खराब हो जाती है। हम कई दिन तक रगड़ करते हैं तब पाप होता है, ऐसे सफाई हो जाएंगे। हम आपको अपनी बात बता रहे, हमारे सामने अंधेरा छा जाता तो बताइए आप, जो कुछ नहीं करेगा उसके सामने अंधेरा कैसे उठाएगा। ये ऐसा काम ये करना ही नहीं, इसको अपना भला करो, वो काम अपना करते रहो। और जब कुचाल पे चलोगे तो हम वही आदेश देंगे, घर पर भजन करो, दूसरा और कोई आदेश भजन करो घर पर। जब सही रास्ते में चलोगे तो ठीक है, तैयार हो जाओ। बोलो जय गुरुदेव। करे कोई बिरला पद निर्वाण, तीने लोक में यह जमराजा चौथे लोक नहीं नाम निशान, ललख रे कोई बिरला पद निर्वाण, याए लखत इंद्राधिक थके गए, ब्रह्मा थकी गए धरी धरी ध्यान, ललख रे कोई बिरला पद निर्वाण, गोरख दास वशिष्ठ व्यास मुनि सम्मुख की गए परत पुराण, ललख रे कोई बिरला पद निर्वाण, पातांजलि ऋषि समुथ की गए विष्णु थकी गए करी के मानवी, ललख रे कोई बिरला पद निर्वाण, क
कहता कबीर लखे कोई बिरला। जिन पायो सतगुरु को ज्ञान, न लखे रे कोई बिरला पद निर्वाण। जय गुरुदेव।